होकर जायका, मिला हो अक्षर ढायका। स्वादों से भरी प्लेट है, खुश फैमिली और पेट है, फिर जिंदगी तो ग्रेट है। वाह क्या टेस्ट है, 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 वाह क्या टेस्ट है। Life has been defined in many ways. Scientists, visionaries, thinkers, scholars, all have tried to explain the utility of life in various ways. But the common viewpoint by all the commoners, just like us, is life is the name of compromise. But according to me, if that makes us carry our lives in a better way and hoping that near future is going to be better, then there is no harm. It isn't that bad. Wah, kya taste hai? तो चलिए आपका और अपना मूड एनहांस करने के लिए आपको लेकर चलते हैं होटल सम्राट की हमारी ब्यूटीफुल सेटिंग में, यहाँ की सराउंडिंग की वार्मथ और अपनेपन के एहसास को फील करने। यहाँ की फिजाओं में जैसे बेहतरीन खाने की खुशबू घुल मिल सी गई है। तो चलिए इस खुशबू को फॉलो करते करते चलते हैं हमारे किचन में। Let's come. दोस्तों, कुकिंग एक ऐसी चीज है जहां आपको कॉम्प्रोमाइज करने की कोई जरूरत नहीं है। बस यमी यमी खाना बनाइए और अपनी लाइफ को भी एकदम यमी बना दीजिए। कुछ टाइम के लिए ही सही, बट एटलीस्ट आप अपनी लाइफ को अपने तरीके से, अपने अंदाज से तो जी पाएंगे। तो चलिए थोड़े से फ्लेवर्स और ऐड कर देती हूँ आपकी लाइफ में। बुलाती हूँ हमारे बहुत ही टैलेंटेड शेफ, होटल सम्राट के शेफ मुकेश। वेलकम शेफ। हेलो श्रद्धा, कैसी हैं आप? बहुत बढ़िया शेफ, आप कैसे हैं? मैं बहुत बढ़िया हूँ, थैंक यू। ओके शेफ, मेरे को प्लीज जल्दी से बताइए कि बहुत स्पेशल बना रहे ना आज आप कुछ, क्योंकि इतने सारे डिफरेंट इंग्रेडिएंट्स दिख रहे हैं जो जनरली मैं नोटिस नहीं कर पाती। जी श्रद्धा, आज हम कुछ स्पेशल बना रहे हैं और कुछ डिफरेंट बना रहे हैं, क्योंकि आज हम एक मलेशियन डिश को कवर करने वाले हैं। वाओ, मलेशियन क्यूजीन, वाओ शेफ। अभी तक हमने, हमारी वाह क्या टेस्ट है कि पूरी सीरीज में अभी तक तो मलेशियन क्यूजीन नहीं ट्राई की है, पर आज हम बहुत लकी हैं। तो एक काम करते हैं, पहले फन फैक्ट्स देखते हैं शेफ। जरूर श्रद्धा, गो फॉर इट। Did you know that a honeybee can fly up to 6 miles and move as fast as 15 miles per hour? Makes only 1/12 of a teaspoon of honey in its lifetime. It contains all the substances needed to sustain life, including enzymes, water, minerals, and vitamins. And if you are suffering from insomnia, try honey and be sunny. So thank you, honey. You are so sweet. Honey ki speed aur flying capabilities jankar, I am very amazed. Kyun chef? Bilkul Shraddha. Aur Shraddha, shayad aapko jankar hairani hogi ki honey mein sugar se zyada calorie hoti hai. What? Honey mein sugar se zyada calories hoti hai? But chef, those who actually want to lose weight, unhe to recommend kiya jata hai ki honey aur lemon hot water ke saath lijiye. Bilkul Shraddha. But actually when you combine honey with hot water or cinnamon or with the lemon juice, it actually cuts the fat. और ये डाइजेशन में भी हेल्प करता है। Oh my God, chef, it's a news to me and I am sure मेरे व्यूअर्स के लिए भी equally इतना सरप्राइजिंग होने वाला है, because generally हम लोग हमेशा हनी पतले होने के लिए यूज करते हैं, as in मैं नहीं, बहुत से लोग। तो थैंक यू सो मच शेफ फॉर दिस न्यूज। सो गाइज, प्लीज देख के आराम से हनी यूज कीजिएगा। एनीवेज, कमिंग बैक टू मलेशियन क्विजीन, क्या सिखा रहे हैं शेफ आज? श्रद्धा, आज हम बनाने जा रहे हैं मलेशियन फिश करी। मलेशियन फिश करी इज़ अ वेरी पॉपुलर डिश इन मलेशिया। इसके लिए आप कोई भी रिवर और सी फिश यूज कर सकते हैं। तो फिर ठीक है शेफ, स्टार्ट करते हैं इंग्रेडिएंट्स, और सबसे पहले इससे स्टार्ट करेंगे क्योंकि मुझे बहुत डिफरेंट लग रहा है। व्हाट इज इट? ओके, दिस इज एग प्लांट। ओके, एग प्लांट इज यूज वाइडली इन मलेशियन कुजीन। ऑलराइट, तो एग प्लांट जैसे इंडिया में भी काफी यूज होता है। हाँ जी, बिल्कुल। और आप देखेंगे कि मलेशियन कुजीन एंड मलेशियन कल्चर is a mix of different cultures. जी जी, okay. तो Indian culture से भी influence है Malaysian culture. Right. Indian, Chinese, Thailand, Indonesian. Okay. You can find different culture, different cuisine, different influences in Malaysia. Very good chef. तो चलिए फिर start करते हैं हमारे ingredients से। चलिए,
सबसे पहले मैं आपको बताऊंगा इस पेस्ट के बारे में। तो हमने क्या किया, सबसे पहले हमने इन रॉ स्पाइसेस को ड्राई रोस्ट किया है। गार्लिक, सम करी पाउडर, टर्मरिक, थोड़े से लेमन ग्रास है मेरे पास एंड अ लिटिल सॉल्ट। इन सबको आपस में मिक्स करके आपने ब्लेंड करना है। तो ब्लेंड करके दिस इज व्हाट यू विल अचीव। वाओ शेफ, तो ये तो बहुत सारे हमें इंग्रेडिएंट्स इसमें चाहिए, बट इट्स ओके, जब सारे इंग्रेडिएंट्स निकल जाएंगे तो हम मलेशियन क्विजीन बना पाएंगे। लेट्स गो। तो चलिए पहले हम शुरू करते हैं फिश से। तो हमें क्या करना है, सबसे पहले हम फिश के पीसेस को हल्का सा मैरिनेट करेंगे। चलिए इसमें हम थोड़ा सा सॉल्ट डालेंगे। इसमें आप स्नैपर यूज़ कर सकते हैं, बारामुंडी यूज़ कर सकते हैं, काफ़ी सारी फिशेज अवेलेबल है मार्केट में। हल्का सा ब्लैक पेपर, थोड़ा से मैदे के साथ डस्ट करेंगे, हल्का सा मैदा हमें यूज करना है जस्ट फॉर अ लिटिल कोटिंग लाइक दिस। थोड़ा सा ऑयल डालते हैं, इसको हम शैलो फ्राई कर रहे हैं, डीप फ्राई नहीं कर रहे हैं। इसमें हम डालते हैं अपनी फिश जो कि हमने मैदा लगा के रखी है। तो शेफ, जब तक हमारी फिश फ्राई हो रही है, क्यों ना हम व्यूअर्स को मलेशियन क्विजीन के बारे में, उनके फूड कल्चर के बारे में कुछ बताएं। जी श्रद्धा जी, देयर स्टेपल डाइट इज राइस ऑफ कोर्स। ओके, मीट्स में आप देखेंगे कि बीफ खाना वो पसंद करते हैं एंड दे लाइक अ लॉट ऑफ सी फूड। ओके नाइस, तो इसलिए हम आज बना रहे हैं मलेशियन फिश करी। यहाँ एक बहुत ही प्यारा कलर आ चुका है फिश पे एक, और हमने इसको अभी पलट दिया है जी। तो श्रद्धा जी, हम इसको एक गोल्डन कलर देके इस फिश को निकाल लेंगे और जो 10-20% बचा है वो हम इसको अपनी सॉस में कुक करेंगे। ये यहाँ पे टिश्यू पेपर पे हम निकाल लेते हैं ताकि ये इसका तेल एब्जॉर्ब कर सके। तो चलिए हम काम शुरू करते हैं अपनी करी बनाने का। ऑलराइट, तो इसके लिए हमने ये पॉट को बर्नर पर दिया, बर्नर हम ऑन कर देते हैं। इसमें हम डालेंगे थोड़ा सा ऑयल। ये तेल हमारा अब गर्म हो रहा है, सबसे पहले हम इसमें डालेंगे ये थोड़ा सा फ्रेश करी लीव्स। हम लोग करी लीव्स बहुत यूज करते हैं, कोकोनट यूज करते हैं, तो इसमें भी आई कैन सी कोकोनट भी यूज हो रहा है, करी लीव्स भी यूज हो रही हैं। देखिए करी पत्ता हमारा ये कुक हो चुका है और अपना ये फ्रेग्रेंस छोड़ने लगा है जी। ठीक है, सो दिस इज द राइट टाइम टू ऐड दिस पेस्ट, मलेशियन फिश करी पेस्ट। इसको हमें थोड़ा सा पकाना है। वाओ, बहुत अच्छी खुशबू आ रही है इसकी शेफ जी, पेस्ट जलते ही। तो हमने इस मसाले को 2-3 मिनट पकाना है श्रद्धा जी। तो इसमें हम थोड़े से अपने पाउडर्ड स्पाइसेस डालेंगे, थोड़ी सी हम डालेंगे इसमें ये टर्मरिक, हल्का सा ये करी पाउडर जो कि हमने मसाले में भी डाला था। इसके बाद हम इसमें डालेंगे ये चिली सॉस। इसमें आप चिली पेस्ट भी यूज़ कर सकते हैं और मार्केट में जो चिली सॉस मिलती है वो भी यूज़ कर सकते हैं, और कुछ नहीं है तो रेड चिली पाउडर भी यूज़ कर सकते हैं। चलिए अब बारी है इसमें ये हमारी फ्रेश टोमेटो प्यूरी डालने की। दैट्स इट, चलिए अगेन हमने इसको 2-3 मिनट पकाना है। इसमें थोड़ा सा सॉल्ट ऐड कर देते हैं जो कि कुकिंग प्रोसेस को थोड़ा फास्टन करेगा। तो जब तक ये हमारा मसाला पक रहा है श्रद्धा जी, क्यों ना हम अपने व्यूअर्स से आज का क्वेश्चन पूछ लें। तो आज का क्वेश्चन ये है व्यूअर्स, जब हम घर में खाना बनाते हैं तो एक बहुत बड़ी प्रॉब्लम जो हम फेस करते हैं या एक बहुत बड़ा टास्क जिसको हम समझते हैं, जब हमें गार्लिक को पील करना पड़ता है, तो ऐसा क्या करें जिससे गार्लिक जल्दी से फटाफट पील हो जाए। ऐसी ट्रिक है जो कि आप घर में बहुत यूज़ कर सकते हैं और बहुत ही आसानी से गार्लिक को पील कर सकते हैं। चलिए हमारी टोमेटो प्यूरी और मसाला पक चुका है, अब टाइम है इसमें
मेरा फेवरेट कोकोनट मिल्क डाल का। ये हमें अच्छे से डालना है श्रद्धा जी, क्योंकि कोकोनट मिल्क का फ्लेवर इसमें बहुत ही इंपॉर्टेंट है। आप देख सकते हैं हमने कोई कंजूसी नहीं बरती है कोकोनट मिल्क डालने में एक्चुअली। तो जब ये स्पाइसेस जो हमने ब्लेंड किए थे ये कोकोनट मिल्क के साथ मिलते हैं तो जो ये टेस्ट और जो एरोमा ये क्रिएट करते हैं दैट इज जस्ट माइंड ब्लोइंग एक्चुअली शेफ, एंड दैट इज व्हाट आई लव अबाउट द मलेशियन कुजीन। तो अगर आपको आप मलेशिया अगर जाते हैं और आपको एक्चुअली में अगर मलेशियन फूड एंजॉय करना है, सेवर करना है, तो आई मस्ट रिकमेंड कि आप मलेशियन स्ट्रीट फूड को एंजॉय कीजिए। All right, जैसे इंडियन भी स्ट्रीट फूड का एक अलग ही मजा है। जी, जैसे कि आप पुरानी दिल्ली में जाते हैं और दिल्ली का असली कल्चर और दिल्ली का असली फूड देखते हैं वो आप पुरानी दिल्ली के स्ट्रीट फूड में देखते हैं। ये हमारा कोकोनट मिल्क और ये मसाले अब ये पकने लगे हैं और बहुत ही बढ़िया फ्रेग्रेंस दे रहे हैं। अब इसमें हम अपनी ओकरा डालते हैं। भिंडी को हमने लेंथ वाइज काटा हुआ है, ये थोड़ा सा डालेंगे, ये डिश को बॉडी देगा, स्टार्ची बनाएगा, अपना एक फ्लेवर देगा। इसको हमें 2 से 3 मिनट पकाना है। तो श्रद्धा जी इसमें हम थोड़ा सा पानी ऐड करेंगे और इस सॉस को पकने देंगे। चलिए अब हम इसमें डालेंगे अपना फाइनली ब्रिंजल, क्योंकि मुझे लग रहा है अब ये ऑलमोस्ट रेडी है। इसमें ब्रिंजल डालेंगे और अपनी फिश ऐड करेंगे। चलिए थोड़ा सा ब्रिंजल डालते हैं। चलिए अब हम इसमें अपनी ये फिश ऐड करते हैं जो कि इंतज़ार कर रही है इस डिश में जाने का। तो जेंटली हम ये ग्रेवी में छोड़ देते हैं और इसको थोड़ी देर हम इसमें सिमर होने देंगे ताकि ये इस ग्रेवी का सारा फ्लेवर एब्जॉर्ब कर ले। एंड इट इज़ वेरी इंपॉर्टेंट टू चूज़ द राइट फिश फॉर द राइट डिश। जैसे कि मैंने बताया इसके लिए बहुत ज़्यादा डेलिकेट फिश यूज़ नहीं करनी है। एक फाइनल इंग्रेडिएंट हम इसमें डालेंगे टमारिंड को, यानी कि इमली को हमने थोड़े से वार्म पानी में सोक करके रखा है। Alright. और इसका पल्प या इसका पानी हम इसमें डालेंगे टू गिव इट अ वेरी स्पेशल टैंगी टेस्ट लाइक दिस। चलिए तो ये हमारी मलेशियन फिश करी इज ऑलमोस्ट रेडी और हम तैयारी करते हैं इसको डिश आउट करने की। आइए इसको डिश आउट करें। यस शेफ। वेजिटेबल्स एंड करी सॉस कमिंग ओवर द फिश पीसेस। थोड़ी सी रेड चिली स्लाइस इसको हमने पानी में सोक करके रखा है जी, टू मेक इट ये हमने ठंडे पानी में डाला टू मेक इट मोर क्रिस्प। थोड़ी सी जिंजर जूलियंस, करी पत्ता क्रिस्पी फ्राइड, फ्रेश कोरिएंडर लीव्स लाइक दिस। ब्यूटीफुल शेफ। हमने इसको गार्निश कर लिया और फाइनली हम इसमें डालेंगे थोड़ा सा कोकोनट मिल्क। Beautiful chef. तो प्लीज इसको टेस्ट कीजिए श्रद्धा जी और हमें बताइए मुझे और हमारे व्यूअर्स को कि कैसी लगी। Yes, sure, chef. एक काम करते हैं पहले हम थोड़ी सी खुशबू लेते हैं और मलेशिया के सैर होके आते हैं खुशबू से ही। Wow, this is really nice, chef. So let's taste it. Nice chef, बहुत अच्छा फ्लेवर है। फिश फर्स्ट ऑफ ऑल बहुत अच्छे से बाहर से क्रिस्पी है, अंदर से टेंडर हो चुकी है। करी पत्ते का बहुत अच्छा फ्लेवर आ रहा है एंड आई'ड से इट्स लिटिल स्पाइसी, लेकिन कोकोनट मिल्क ओवर हियर इज प्लेइंग स्मार्ट और अच्छे से बैलेंस करे उसने इसको। हाँ, क्योंकि आई हैव सीन आपने इसमें होल स्पाइसेस डाली हैं, पेस्ट में जो डाली हैं वो बहुत अच्छा फ्लेवर दे रही हैं और वेजिटेबल्स भी, एग प्लांट का बहुत अच्छा फ्लेवर आ रहा है। So all in all, it's really tasty. Jaldi se iska recap dekhiye because I know aapko recap zaroor dekhna hai aaj ka.
मलेशियन फिश करी बनाने के लिए सबसे पहले एक प्लेट में फिश, सॉल्ट, ब्लैक पेपर, थोड़ा मैदा डाल के मैरिनेट करें। अब एक पैन में ऑयल डाल के फिश को फ्राई कर ले। फिर एक पैन में ऑयल, करी लीव्स, मलेशियन फिश करी पेस्ट, हल्दी, करी पाउडर, चिली सॉस, टमेटो प्यूरी, सॉल्ट डाल के अच्छे से पकाएं। अब इसमें कोकोनट मिल्क, लेडी फिंगर, फ्राइड ब्रिंजल, फ्राइड फिश डाल के पकने दे, और टैमरिंड पल्प, रेड चिली स्लाइस्ड, जिंजर, करी लीव्स, कोरिएंडर लीव्स, कोकोनट मिल्क डाल के गार्निश करके गर्मा गर्म परोस दें। बेसिकली हम मलेशियन स्पाइसेस का पेस्ट बनाते हैं जिसमें हम ब्लैक पेपर, लाइम लीव्स, गार्लिक एंड कैलेंजल का इस्तेमाल करते हैं। ये स्पाइसेस के पेस्ट से हम एक टोमेटो बेस्ड ग्रेवी बनाते हैं जिसमें हम टैमरिंड पल्प एंड कोकोनट डालते हैं जो कि स्पाइसेस की जो स्पाइसीनेस है उसको काउंटर करता है, न्यूट्रलाइज करता है, ताकि जो एंड प्रोडक्ट है वो पूरा बैलेंस्ड टेस्ट, स्मूथ एंड टेक्सचर्ड मिलता है एंड इट बेस्ट गोज विद राइस। वाह, क्या टेस्ट है। Welcome back to your favorite cookery show, जिसका नाम है वाह क्या टेस्ट है। Friends, I remember जब मैं स्कूल जाती थी तो मैं बहुत curious रहती थी कि मेरी मामा ने मुझे क्या पैक करके दिया है मेरे लंच बॉक्स में। लेकिन बहुत बार ऐसा होता था जब वो मुझे रिपीटेड लंच देती थी, मैं बहुत बहाने बनाती थी, जैसे कि या तो मेरी तबीयत खराब थी कि इसलिए मैंने खाना नहीं खाया, या फिर मेरे पास टाइम नहीं था क्योंकि मुझे होमवर्क करना था। लेकिन ये भी तो बात है ना कि मेरी मामा इतनी लकी नहीं थी, बिकॉज उस टाइम पे वाह क्या टेस्ट है नहीं आता था। आज की जो मामाज हैं वो तो बहुत लकी हैं, क्योंकि उनको पता चल रहे हैं अच्छी अच्छी रेसिपीज कि वो अपने बच्चों को लंच बॉक्स में क्या पैक करके दे सकती हैं। तो चलिए चलते हैं हमारी अगली सेगमेंट में, बच्चों का लंच बॉक्स। वाह क्या टेस्ट है। वेलकम व्यूअर्स, आप सबका एक बार फिर से बहुत बहुत स्वागत है हमारे इस दूसरे सेगमेंट में। जैसा कि आप जानते हैं, हम अपने सेगमेंट में बात करते हैं अपने प्यारे बच्चों की और बनाना सीखते हैं उनके लिए कुछ खास इनोवेटिव और हेल्दी रेसिपीज। तो अपने प्यारे प्यारे बच्चों के लिए कुछ खास खास रेसिपीज लेके हम एक बार फिर हाजिर हैं। तो क्या बनाने जा रहे हैं हम खास? आज हम बनाएंगे सैंडविच, और ये सैंडविच है कुछ खास क्योंकि ये सैंडविच हम बनाने वाले हैं स्क्यूअर्स पर। जी हाँ, सैंडविच ऑन स्क्यूअर्स। तो चलिए बनाना शुरू करते हैं अपने सैंडविच ऑन स्क्यूअर्स। इसके लिए सबसे पहले हम लेंगे दलिया ब्रेड। जी हाँ, दलिया ब्रेड से शुरू करते हैं। ये तीन ब्रेड मैं यहाँ पे ले रहा हूँ। इसको सबसे पहले हम लगाएंगे बटर। आप चाहें तो मेयोनीज भी लगा सकते हैं या कोई और स्प्रेड भी लगा सकते हैं। ये बटर या स्प्रेड लगाने से होता क्या है कि आपकी ब्रेड जो है वो ड्राई नहीं होगी और ये इसको अपना एक अलग फ्लेवर देगा, और बच्चों को वैसे भी बटर बहुत पसंद है। ये इस तरह हमने बटर की लेयरिंग कर ली है। के बाद हम इस पे थोड़ा सा सलाद पत्ता लगाते हैं, यानी कि लेट्यूस लीव्स। आप इसको हाथ से तोड़ के लगा सकते हैं, लाइक दिस। इसके बाद हम इस पे लगाएंगे हमारे कटे हुए टमाटर के स्लाइसेस, इस तरह से। चलिए इसके ऊपर हम लगाएंगे ब्रेड की एक स्लाइस। इसमें हम लगाते हैं हमारे ये कटे हुए कुकुम्बर स्लाइसेस, इस तरह से। और ये हमारे पास ये कुछ फ्लेवर्ड चीज स्लाइसेस हैं। आप चाहे तो प्रोसेस चीज भी ले सकते हैं, मसाला चीज ले सकते हैं, कोई भी अन्य चीज ले सकते हैं जो आपके बच्चों को पसंद हो। ये स्लाइसेस हम इसके ऊपर लगाएंगे इस तरीके से। थोड़ा सा इस पे हम सॉल्ट और ब्लैक पेपर डाल सकते हैं। और ये जो तीसरी ब्रेड स्लाइस है हमारी, इसको इसके ऊपर इस तरह से रखेंगे। चल, ये हो गया हमारा एक सैंडविच तैयार। इसको अभी हम थोड़ी देर में काटेंगे और हम दूसरे सैंडविच की तैयारी करते हैं जो कि हम बनाएंगे इस ब्राउन ब्रेड में। तो इसको यहाँ पे रख लेते हैं दो स्लाइसेस। इसको भी हम बटर करेंगे। इसमें हम लगाएंगे ये कॉटेज चीज यानी कि पनीर। तो ये पनीर की हम इस तरह से स्लाइस लगा देते हैं। थोड़ा सा इसमें सॉल्ट,
black pepper. इसको ये हमने दूसरी ब्रेड से टॉप अप कर दिया. सबसे पहले हम इसकी साइड्स अलग करते हैं. अब इसको आप चाहें तो इसको रेक्टेंगुलर शेप में काट सकते हैं, ट्रायंगुलर शेप में काट सकते हैं, सर्कल शेप में काट सकते हैं, जैसा आपको और आपके बच्चों को ठीक लगे आप उस तरह से इसको कर सकते हैं. तो यहाँ पर मैं इसको ट्रायंगल शेप में काटने वाला हूँ. ये देखिए छोटे छोटे ट्रायंगल इस तरीके से. अब बारी है हमारी जो दलिया ब्रेड है उसको काटने की. साइड्स हम अलग करेंगे इसके ठीक उसी तरह से जैसे हमने ब्राउन ब्रेड के किए थे. और देखिए इसकी फिलिंग जो है आप देख सकते हैं कितनी कलरफुल लग रही है इस तरीके से. तो आइए ये सैंडविच अब हम लगाना शुरू करते हैं स्क्यूअर्स पे. ये इसके लिए हमने ये फैंसी और छोटे स्क्यूअर्स लिए हैं जो देख सकते हैं आप. इसमें हम लगाते हैं पहले हमारा टोमेटो एंड कुकुम्बर सैंडविच. इसमें आप चाहें तो मेरे पास यहाँ पे कुछ चेरी टमाटोज हैं, मैं इनको यूज़ करूँगा बीच में इसको डेकोरेट करने के लिए, देखने में अच्छा लगेगा. आप चाहें तो ऑलिव लगा सकते हैं, चेरी लगा सकते हैं, या कोई भी चीज़ जो आपको पसंद हो, पाइनएप्पल के स्लाइसेस लगा सकते हैं इस तरह से. ये देखिए तो बाकी सैंडविचेस को भी हम इसी तरह स्क्यूअर में लगाते हैं. परफेक्ट. इसी तरह अब हम अपने पनीर सैंडविच को भी स्क्यूअर में लगाते हैं इस तरीके से. इसमें हम ये चेरी हमारे पास है इसको यूज कर सकते हैं. तो ये हमारे सैंडविच और स्क्वायर तैयार है. अब हम इनको अरेंज करते हैं अपने लंच बॉक्स. ये देखिए ये इस तरह से इसको कर सकते हैं. और एक और चीज मैं इसमें करने जा रहा हूँ, ये हमने थोड़ी सी मेयोनेज सॉस एक पाइपिंग बैग में डाल के रखी हुई है. आप चाहें तो मेयोनेज के अंदर थोड़ी सी केचप डाल सकते हैं, थोड़ा सा ग्रीन सॉस डाल सकते हैं इसको अलग फ्लेवर देने के लिए. और अब हम इन सैंडविच को थोड़ा सा पाइप आउट करेंगे टू गिव देम मोर डिलीशियस एंड मोर अपीलिंग लुक लाइक दिस. ये बहुत ही सिंपल है, आप देख सकते हैं कितना अपीलिंग लग रहा है. और इन सैंडविचेस को हम बच्चों के लिए सर्व करेंगे थोड़े से फ्रूट सैलेड के साथ. तो इस तरह से ये बन जाता है कंप्लीट मील बच्चों के लिए. आई एम श्योर बच्चे इसको बहुत ही लाइक करने वाले हैं. तो दोस्तों आपको याद होगा मैंने आपसे फर्स्ट सेगमेंट में एक क्वेश्चन पूछा था, और वो क्वेश्चन ये था कि घर पे जब हम गार्लिक को यानी कि लहसुन को पील करते हैं तो वो बहुत ही ज़्यादा टाइम लेता है और ये बहुत ही एक बोरिंग प्रोसेस है, तो ऐसा क्या करें कि वो लहसुन जल्दी से पील हो जाए और हमारा ज़्यादा टाइम भी ना ले. तो आई एम श्योर कि आपने कुछ ना कुछ सोचा होगा. चलिए मैं आपको बताता हूँ क्या करना चाहिए. हम क्या करेंगे कि लहसुन की कलियों पर थोड़ा सा तेल लगाकर उनको कुछ मिनट्स के लिए 15 से 20 मिनट्स के लिए धूप में रख दें, और उसके बाद आप ले लहसुन छीलिए और आप देखेंगे कि लहसुन कितनी जल्दी और फटाफट छिलते हैं. तो इसको ट्राई कीजिएगा, और अगली बार लहसुन छीलने बैठें तो हमारी ये टिप जरूर याद रखिएगा. तो ये तैयार है हमारे सैंडविच ऑन स्क्यूअर्स. ये बहुत ही टेस्टी लग रहे हैं, यम्मी लग रहे हैं और बहुत ही हेल्दी लग रहे हैं. आई एम श्योर के बच्चे इनको बहुत पसंद करने वाले हैं. तो इनको घर पर ट्राई कीजिए, और अगर कोई भी स्टेप आपसे मिस हो गया है तो जल्दी से देख लीजिए हमारा एक क्विक रिकैप. सैंडविच स्क्यूअर्स बनाने के लिए सबसे पहले एक ओट्स ब्रेड स्लाइस लें और उसमें बटर लगाएं, फिर लाचिस टमेटो स्लाइस्ड लगा के ऊपर से एक और ब्रेड स्लाइस लगा के ढक दें, उसके ऊपर क्यूकम्बर फ्लेवर्ड चीज और सॉल्ट ब्लैक पेपर लगा के एक और ब्रेड से कवर कर दें. अब भी ब्रेड लें, उसमें बटर पनीर स्लाइस सॉल्ट पेपर डालें. अब ब्रेड के कॉर्नर्स को कट करें, फिर उसे ट्रायंगल शेप में कट करके स्क्यूअर में लगाएं.
बच्चों का लंच बॉक्स तैयार है, उसमें सैंडविच स्क्यूअर्स और फ्रूट सैलेड देके पैक करें। वाह, क्या टेस्ट है। बच्चों के लंच बॉक्स की सेगमेंट को देखकर इतनी वैरायटीज जो मिल रही हैं सीखने को, मुझे अब लग रहा है कि मुझे भी ना स्कूल जाना स्टार्ट कर देना चाहिए। वेल दोस्तों, मैं आपको बता दूं कि आपके फीडबैक्स हमें बहुत सारे मिल रहे हैं और उसमें से एक व्यूअर ने लिखा था कि थैंक यू सो वेरी मच, आपने ये सेगमेंट स्टार्ट करके हम मदर्स की बहुत ज्यादा हेल्प की है। सो एक्चुअली ये सेगमेंट हमने आप मदर्स के लिए ही बनाई थी ताकि हम आप लोगों की हेल्प कर सके। एनीवेज, मैं आपको ये बता दूं कि आपने अपना इतना प्यार हमारे शो को देके हमारा शो नंबर 1 बना दिया है। थैंक यू टू ऑल माय लवली ऑडियंसेस। सीरियसली मैं बहुत खुश हूँ एंड आई एम श्योर आप भी उतने ही खुश होंगे। वेल इसी तरह अपना प्यार, अपना सपोर्ट हमारे शो को देते रहिए और अपने फीडबैक्स और सजेशंस हमें भेजते रहिए, क्योंकि हमें नंबर 1 ही बने रहना है। हमारा मेल आईडी है wahkyatesthai@gmail.com। आई नो आप हमसे बहुत प्यार करते हैं, हम भी आपसे उतना ही प्यार करते हैं। देखते रहिए डीडी नेशनल। नमस्कार। फिर सब कुछ ग्रेट ग्रेट है। वाह क्या टेस्ट है। वाह क्या टेस्ट है। वाह क्या टेस्ट है। वाह क्या टेस्ट है।